तो ये तो ठीक है कि मैंने भी पढ़ा है, सुना है, ममता बनर्जी ने जितने भी विरोधी पक्ष के मुख्यमंत्री है या विरोधी पार्टियों के अध्यक्ष नेता है, कांग्रेस से लेकर सभी लोगों को, तो उनकी वो मीटिंग ले रहे हैं दिल्ली में और ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर विरोधी पार्टियों की तरफ से किसको खड़ा किया जाए, किसको उम्मीदवार बनाया जाए, सर्वसम्मति जो विरोधी पक्षों की जो है, तो उसके लिए वो विचार विमर्श कर रहे हैं। ये आप जो बोल रहे हैं मैंने भी सुना है, मुझे पता नहीं है अभी कि वो कह रहे हैं कि आदरणीय शरद पवार साहब को विरोधी पक्ष की ओर से, पार्टियों की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तरीके से खड़ा किया है। अब मुझे ये पता नहीं कि पवार साहब ने हाँ भरी है या और कुछ किया है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसमें सब लोग एकमत हो रहा है, और एकमत होने के बाद भी क्या पवार साहब तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, ये मुझे कुछ पता नहीं है। पर जो भी महाराष्ट्र में रहता है वो अगर पवार साहब ऐसे ऊंचे पद पर जाते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए तो बड़े आनंद की बात है, सारे महाराष्ट्र के लिए बड़े गर्व की बात है। मगर अभी ये जो है बिल्कुल अभी मतलब कि चर्चा की शुरुआत है, अभी इसमें जो है कुछ तय तो हुआ नहीं, बताइए। डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।